नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। हमने लिए हैं 500 ग्राम मशरूम, यानी कि 2 पैकेट्स, एक कटोरी मटर यानी 250 ग्राम, छह टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए, 4 मीडियम साइज के प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी लहसुन की कलियां, 1 कटोरी धनिया। एक कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तीन से चार लौंग डालेंगे। प्याज को हम गुलाबी होने तक भून लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर और एक चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। एक चुटकी हींग, थोड़े से सूखे धनिया के बीज, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसे तब तक पकाएं जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, 5 चम्मच, ताकि हम मटर और मशरूम को फ्राई कर सकें। इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये उबलते टाइम अपने आप ही पानी छोड़ता है, तो उसी पानी में ये पक जाएगा। इसे हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। जो हमने ग्रेवी के लिए सब्जियां फ्राई की थी, उन्हें अब हम पीस लेंगे।
कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। एक चुटकी जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हींग, बॉईल किए हुए मशरूम और मटर इसमें अब हम डाल देंगे। इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार। कुकर को 2 सीटी के बाद ऑफ कर देंगे। अब हमारी टेस्टी मटर मशरूम की सब्जी अब तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।